दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में अगर आप ये फुल वीडियो देखते हो तो आपकी नेट स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप भी परेशान हैं अपनी नेट स्पीड से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप ये फुल वीडियो देखते हो तो आपकी जियो 4G से 5G जैसे ही चलने लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आपको बस एक सेटिंग करना है, उसके बाद अगर आप अपनी फ़ोन की जो है सिम की वो अगर आप इंटरनेट स्पीड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो आपको वो करना क्या है बेसिकली, उसके लिए आपको जाना है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर। अब इसमें जाने के बाद अगर आप जिस भी सिम से नेट इंटरनेट चलाते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं जियो 4G सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको देख रहा है यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सेस पॉइंट्स नेम आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा जनरल, आपको यहाँ पर इंटरनेट पर यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, नेम से आपको नेम जो है वही रहने दो, आपको नेम से कुछ भी नहीं करना है। और जो सेकंड ऑप्शन है APN, उस पर आपको आना है और यहाँ पर जो भी है उसको रिमूव करके आपको लिख देना है बूस्ट स्पीड। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बूस्ट स्पीड, तो यहाँ पर आपको ये लिख लीजिए और B कैपिटल और S कैपिटल आपको रखना है। और यहाँ इसके बाद आपको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैरियर, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको अनस्पेसिफाइड ऑन होगा, इसको ऑफ करके बाकी सब आपको ऑन कर देना है, मतलब टिक लगा देना है। जैसे ही ये सेटिंग होगी आपको ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद अब आपकी सेटिंग हो चुकी है। अब आपको सिंपली है मोर पर जाकर सेव करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव का, वहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप अपने आप नेट बंद होके फिर से ऑन होगा। उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपने मोबाइल को। अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो भाई मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा हूँ तो मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा, मैंने पहले से रीस्टार्ट करके रखा है। अगर आप अपनी नेट स्पीड देखेंगे तो आपको जियो 4G से 5G जैसी नेट स्पीड मिलने वाली है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो मैंने प्रूफ दिया है इस वीडियो में स्पीड टेस्ट करके। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताऊँगा। पहले मेरी 2 Mbps मिल रही थी, 1 से 1.5 Mbps मिल रही थी नेट स्पीड, जो कि अब आपको मैं बताऊँगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ से आपको पहले 1 से 1.5 Mbps मिल रही थी, अब लेकिन मेरी 2 Mbps पर पहुँच गई है, देख सकते हो 2.5 Mbps, और यहाँ पर और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इस सेटिंग से आपकी इतनी 3 Mbps, देख सकते हो मेरी 3 Mbps पर चली गई थी। और यहाँ पर अपलोडिंग तो बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर अगर आप किसी अपलोड करते हो तो अपलोडिंग स्पीड और तेज़ मिलेगी आपको, 5 पॉइंट यहाँ पर 5.2 देख सकते हो, 5.71 Mbps। तो यहाँ पर मेरी पहले 2 Mbps और यहाँ पर डाउनलोड की 1 Mbps मिल रही थी। वही अब बात करें 3.15 Mbps और यहाँ पर बात करें तो 5.17 Mbps। तो आपने देखा पहले मेरी कितनी थी अब कितनी हो गई। और अगर आप नेट चलाते हो तो भाई इस सेटिंग को ज़रूर ऑन कर लो, आपका नेट बहुत तेज हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सारे लोगों को पता चल सके अपनी नेट स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको आगे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी।